भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। गुरु के सामने बैठकर यदि धर्म ध्यान कर लिया तो मन फिर कहीं भी बाहर जाने वाला नहीं है, वह एकाग्र हो जाता है, वह लीन हो जाता है, बार बार मन वही वही गुरु चरणों में पहुंच जाता है। जब भक्त पुकारता है तो उनके गुरुओं को अपने कक्ष से उतर के उनके घर और दुकान में भी जाना पड़ता है। कहते भक्त के बस में है भगवान, भगवान सारी दुनिया को छोड़ करके जा सकते हैं, मोक्ष जा सकते हैं, निर्वाण पा सकते हैं, लेकिन कभी भी कोई भगवान इस धरती पर आज तक ऐसा नहीं हुआ जो अपने भक्तों को छोड़ करके गया हो। भक्त हमेशा उसके साथ बंधे रहते हैं। महावीर स्वामी आए, दुनिया से चले गए, लेकिन हमारे हृदय से नहीं जा सके। ऋषभ देव आए, दुनिया से चले गए, मगर हमारे हृदय से नहीं जा सके। और हम भी दो दो बार चातुर्मास करके बांसवाड़ा से आ गए, लेकिन इन जैसे भक्तों के हृदय से बाहर नहीं। तभी तो खिंचे चले आते हैं दूर दूर से, इतने दूर से आना, 12-12 घंटे की यात्रा करना, रात को 1-1, 2-2 बजे पहुंच रहे हैं। चलो जिन शरणम, पूजा करना है, भक्ति करना है, आराधना करना है, तो ये भवितव्यता की निशानी है। ऐसे ही लोगों को भावी निर्वाण भाजनम, एक दिन वह आता है कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते करते भक्त भी भगवान बन जाता है, निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। पूरा परिवार बहुत धार्मिक है, धर्मनिष्ठ है, कर्तव्य परायण है और पूरे सदाचार का पालन करने वाला। ऐसे ये पांचों पांडवों का परिवार है पूरा, आसपास बिल्कुल जुड़े हुए मकान हैं, देख करके बहुत अच्छा लगता है। एकता प्रेम आज भी इन सब भाइयों में, परिवार में अटूट प्रेम है, एकता है, समर्पण है, गुरुओं की भक्ति है। उनकी माता जी भी आज यहाँ पर आई हैं। ऐसा भरा पूरा परिवार देखकर माता पिता का हृदय गर्व से चौड़ा हो जाता है कि कितने प्यार से सब लोग एक परिवार में, एक बगीचे में रहा करते हैं। आज शांति विधान इनके द्वारा हो रहा है। बहुत दिनों से था कि कब इनका नंबर आए, कब इनका नंबर आए। इनने कहा भाई अब दिवाली करके ही चलते हैं, तो मैंने कहा भाई अभी कैसे आ गए। बोले आ गई दिवाली, बांसवाड़ा खाली, सभी लोग चले गए, हम भी यहाँ पर आ गए पूजा विधान भक्ति करने के लिए। तो मैं इनके जीवन के लिए, इनकी संपन्नता के लिए, इनकी जीवन की धर्मनिष्ठा के लिए और इनका जो परिवार में रिद्धि सिद्धि जो प्राप्त होना चाहिए, शुभ लाभमय जीवन हो, ऐसा मैं आशीर्वाद इन परिवार को प्रदान करता हूँ। सदैव गुरु भक्ति में रत रहने वाले, गुरुओं के प्रति समर्पण रखने वाले, शांतिनाथ भगवान की आराधना। और ये विधान इतना अच्छा विधान है कि सबको बड़ा कर्ण प्रिय लगता है ये विधान। इसके शब्द, इसकी भावनाएं, बड़े बड़े विधान भी पढ़ लो, लेकिन शांति विधान का आनंद कुछ और हुआ करता है। किस तरह से आह्वान किया गया है, कैसे कैसे संबोधन भगवान को दिए जाते हैं कि हे प्रभु, आना है तो मेरे मन के मंदिर में आकर के विराजमान हो जाइए, क्योंकि आपकी उपस्थिति से मेरा चंचल मन एकाग्र हो जाता है, मेरे चंचल मन को एकाग्रता मिलती है। एक बात ध्यान रखना कि एक अकेले में माला फेरोगे, अकेले में जाप करोगे तो मन नहीं लगता है, मन बाहर बाहर भागता है। अकेले में पूजा पाठ करो एकांत में तो मन थोड़ी देर लगता है, फिर बार बार घड़ी देखता है कितना समय हो गया। लेकिन एक बात याद रखना, यदि गुरु के सामने बैठकर सामायिक कर ली, गुरु के सामने बैठकर मंत्र जाप कर लिया, गुरु के सामने बैठकर यदि धर्म ध्यान कर लिया तो मन फिर कहीं भी बाहर जाने वाला नहीं है, वह एकाग्र हो जाता है, वह लीन हो जाता है,
बार बार मन वहीं वहीं गुरु चरणों में पहुंच जाता है, एक भय बना रहता है यदि गड़बड़ कर ली तो गुरु जी डांट देंगे, गुरु जी कहेंगे ऐसा जाप क्यों करते हो, ऐसी माला क्यों करते हो। तो ध्यान रखना, गुरुओं का सानिध्य वो सानिध्य होता है जहाँ पर अनुशासन पालना नहीं पड़ता, उनकी उपस्थिति से सब जगह अनुशासन का निर्माण हो जाया करता है। गुरु पहुंच जाए हर व्यक्ति अनुशासित हो जाता है, मन की चंचलताएं रुक जाती हैं, शरीर की चेष्टाएं रुक जाया करती हैं, ये गुरु का बहुत बड़ा उपकार होता है हमारे जीवन में। ध्यान रखना, मैं देखता हूँ ना कई यहाँ पे खड़े हैं, मैं आ रहा हूँ, बातचीत कर रहे, हंसी मजाक कर रहे, जैसे ही देखा महाराज आ रहे अपने आप अलर्ट हो जाते, बिल्कुल चुप हो जाते हैं। हमने कुछ कहा क्या, हमने कुछ डांटा क्या, हमने कुछ दंड दिया क्या, कुछ भी नहीं दिया, ये गुरु का प्रभाव है कि मन अपने आप ठहर जाता है, वृत्तियां अपने आप ठहर जाती हैं, चित्त का निरोध होना प्रारंभ हो जाया करता है। यह गुरु भक्ति और जिन भक्ति का प्रभाव हुआ करता है। कहा जाता है घर में बैठकर पूजा करो तो 100 गुना फल मिला करता है, और वही पूजन किसी नदी सरोवर के पास करो तो 1000 गुना फल मिला करता है, वही पूजन किसी जिनालय में जाकर करो तो 1,00,000 गुना फल मिला करता है, और वही पूजन किसी तीर्थ पर जाकर कहो तो 1,00,000,000 गुना फल हमें प्राप्त हुआ करता है। ये तीर्थ स्थान, यहाँ पर बैठकर साक्षात देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में जिनेन्द्र भगवान की आराधना करना, एक जिनेन्द्र भक्ति के अलावा श्रावक के कल्याण का कोई दूसरा मार्ग नहीं हुआ करता है। ग्रस्त है, संसार में है, प्रपंच में है, दुनिया में है, तो वह क्या करे, इतना त्याग तपस्या नहीं कर बैठ जाए, इतना त्याग तपस्या नहीं कर सकता है, इतनी साधना उससे नहीं हुआ करती है, उसे ग्रस्त की जिम्मेदारियों का भी निर्वाहन करना पड़ता है, परिवार की व्यवस्थाओं को भी देखना पड़ता है। लेकिन कहा गया है 24 घंटे में यदि 24 मिनट कोई जिनेन्द्र भगवान की भक्ति कर लेता है तो 24 घंटे के पाप पुण्य में बदल जाया करते हैं। इतनी ताकत श्रद्धा भक्ति से जो करता है, लगन से जिनेन्द्र आराधना, मनुष्य तन पाया, जिनेन्द्र भगवान की पूजा ना की, व्यर्थ है वह शरीर प्राप्त करना, इतना उन्नत ललाट पाया, इतना ऊंचा भाल पाया और जिनेन्द्र के चरणों में ना झुका, उस भाल की कोई कीमत नहीं हुआ करती है। इतने सुंदर नयन पाए, रोशनी पाई और जिन राज के दर्शन ना कर सके, वो नयन नयन नहीं हुआ करते हैं, वो व्यर्थ के हुआ करते हैं। कर्ण पाए और जिन राज की भक्ति ना सुनी, जिह्वा पाई और अपनी वाणी वीणा से भगवान के गुणों का गान नहीं किया, तो हे मूर्ख, ऐसे जिब्बा ऐसे कर्ण तो जानवर भी प्राप्त कर लिया करते हैं, उससे कुछ भी होने वाला मनुष्य हो। मनुष्य का काम पंचिंद्री के विषय भोग ही नहीं, इन इंद्रियों से धर्म का भोग भी करना, इन इंद्रियों को शुभ में लगाने का प्रयास करना, इन इंद्रियों को धर्म में लगाने का प्रयास करना। संसार का बहुत लगाया, कम से कम यदि साल में एक बार भी गुरु के सानिध्य में विधान कर लिया ना, तो साल भर को हमारी पुण्य की बैटरी चार्ज हो जाया करती है, आशीर्वाद मिल जाता है। आदमी बच्चा पढ़ता दिन भर, छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं पूरे पंचशील परिवार के, उनसे भी देखो ना, पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, 6-6 महीने स्कूल पढ़ रहे हैं, अभी तो कोरोना में बंद है, लेकिन जब स्कूल होते हैं 6-6 महीने 2.5-2.5 महीने स्कूल में जाकर के पढ़ते हैं, मालूम है, रोज जाते हैं तब जाकर एक दिन रिजल्ट प्राप्त हुआ करता है, रोज जाओ तब रिजल्ट मिलता है, एक दिन में नहीं मिलता। आदमी सोचता है यार एक दिन मंदिर चले जाओ अपने को रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा, रोज जाना पड़ता है। एक संगीत को संगीत सीखने का प्रयास करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, ऐसा थोड़ी है कि
कितना भी महंगा इंस्ट्रूमेंट ला करके तुम्हारे सामने रख दो और बोलो कि बजाओ, यदि बजाना नहीं आता तो उस लाख के इंस्ट्रूमेंट की कोई कीमत नहीं हुआ करती है। वह अभ्यास करना पड़ता है। ये बच्चियां बैठी हैं, एक प्रस्तुति देना है स्टेज पर, मंच पर एक सांस्कृतिक प्रस्तुति देना है, तो 8-8, 10-10 दिन प्रयास करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। मालूम है 10 दिन की तैयारी, प्रस्तुति 10 मिनट की। समझ में आया? 10 मिनट के लिए 10 दिन अभ्यास करना पड़ता है। तो अपने जीवन को यदि पुण्यमय बनाना है तो हमें जीवन भर भगवान की भक्ति करना पड़ेगी, तब जाकर इसका रिजल्ट प्राप्त हुआ करता है। आपको मालूम है आपके राजस्थान में ठंडी पड़ने लगी है? पड़ने लगी कि नहीं? नहीं, हमारे यहाँ नहीं पड़ती। यहाँ तो मुश्किल से 4-6 दिन पड़ेगी दिसंबर में। यहाँ तो गर्म कपड़े भी नहीं पहनना पड़ते हैं। लेकिन आपके यहाँ बांसवाड़ा में ठंड पड़ने लगी, दिवाली से आदमी सोचने लगता है कि ठंड आ गई। मालूम है आपको कि जब ठंड लगती है तो क्या करते हो आप? गर्म कपड़े पहनते हो, स्वेटर पहनते हो, ऊनी कपड़े पहनते हो। कितने महीने पहनते हो बोलो? 4 महीने कहाँ पड़ती है, अब 2-2.5-3 महीने है ना। मान लो कि 2 महीने ठंड जोर से पड़ी तभी पहनोगे। आप ये बताओ, 2 महीने पहनते हो गर्म कपड़े, आप कितने 2 महीने पहना ठंड से बचने के लिए? एक बात बताइए, कभी सोचना, कपड़ों में भी चिंतन कर सकते हो, हर चीज में सोच सकते हो। 2 महीने की ठंड से बचने के लिए वो ऊनी कपड़ा 2 महीने आपकी ठंड से रक्षा करता है। एक बात बताओ, तुम उन कपड़ों की रक्षा कितने महीने करते हो? विचार करिए,